दोस्तों वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं मऊ जंक्शन का वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को और दिखाते हैं आपको वीडियोस में। दोस्तों जैसे आप स्टेशन पे आएंगे आपको भारत का तिरंगा दिखेगा और बिल्डिंग पे लिखा हुआ मिलेगा आपको मऊ जंक्शन, जो कि उसके ऊपर एक अशोक चक्र लगा हुआ है। और मऊ जंक्शन के बाहर आपका ये जो ग्राउंड है वो है, और यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियाँ जो नज़र आ रही हैं वो स्टैंड है, जहाँ पे लोग अपना बाइक वगैरह फोर व्हीलर वगैरह सारी चीज़ें रखते हैं, खड़ा करते हैं। और जब आप आगे की तरफ मूव करेंगे स्टेशन की तरफ तो आपको एक छोटा सा सीढ़ी मिलेगा जिसके माध्यम से आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जब आगे की तरफ चलेंगे तो आपको कुछ ऐसा दृश्य दिखेगा। और यहाँ पे जैसे बैठने के लिए लोग जगह बनाते हैं, अपना जो भी बैठना होता है जिसको भी वो बैठ जाता है साइड में। और यहाँ अंदर की तरफ आपका टिकट काउंटर और वहाँ वो बोर्ड है जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। तो ये आपका बोर्ड है जहाँ पे ट्रेन का जो आने जाने का है वो दिखाया जाता है। बाकी ये सब सीढ़ी है जहाँ पे आपका अंदर की तरफ अगर कोई बैठना चाहता है बैठ सकता है। बाकी सब ये ग्राउंड है और आपको दिख पा रहा है कि ये किस प्रकार का ग्राउंड है। बहुत ही अच्छा तिरंगा का सीन हमें दिख रहा था। और यहाँ पे जो टिकट काउंटर है ये है, यहाँ से आप टिकट वगैरह कटा सकते हैं। कटाने के बाद आप प्लेटफार्म 1 पे इंटर करेंगे तो ये प्लेटफार्म नंबर 1 है जहाँ पे आपको ज़्यादातर गाड़ियाँ रुकती हुई दिखाई देती हैं। जो भी ट्रेनें हैं लगभग जो भी फास्टेस्ट ट्रेन है वो सारी ट्रेनें फर्स्ट नंबर प्लेटफार्म पे रुकती हैं, बाकी सारी 1, 2, 3 नंबर पे रुकती हैं ट्रेनें। यहाँ पे लगभग हमें 3 प्लेटफार्म दिखाई दिए, प्लेटफार्म नंबर 1, 2, 3, और हमें तीनों प्लेटफार्म को कवरेज किया। ये आपका सीढ़ी है, इलेक्ट्रिकल सीढ़ी जिस पर आप आगे की तरफ बैठ के जा सकते हैं और उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, ऊपर नीचे आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक चलने वाला एक सीढ़ी है जिस पर आप बिना किसी रुकावट के आसानी से ऊपर नीचे जा सकते हैं प्लेटफार्म के नीचे और प्लेटफार्म के फ्लाई ओवर में। तो ये आपका फ्लाई ओवर है जो कि आपका प्लेटफार्म 1, 2, 3 पे जाने के लिए बनाया गया है। और यहाँ से आप 1 पे जा सकते हैं और ये आपका स्टेशन का व्यू है जो कि 3 लाइन दिख रही है। तो प्लेटफार्म नंबर 1 साइड का है और प्लेटफार्म नंबर 2 साइड का, इधर का राइट साइड का 2 है और लेफ्ट साइड का 1 था। और इधर भी देख पा रहे हैं आप तो ये आपका दूसरे साइड का व्यू है जो कि कुछ इस प्रकार का व्यू दिखता है। और बाकी सब यहाँ पे यात्री अपना इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का जो कि ट्रेन आने वाली है। और ये आपका एक कॉर्नर से व्यू है जो कि आपको कुछ ऐसा दिखता है व्यू जो कि स्टेशन के साइड का व्यू है। बाकी आपको जब प्लेटफार्म नंबर आप 2 पे जाएंगे तो आपको यहाँ से जाने की एक रास्ता है जो कि आपको यहाँ से जा सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पे। तो यहाँ से हम चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पे और दिखाते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 का व्यू। तो हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, उतरते हैं और दिखाते हैं प्लेटफार्म नंबर 2। तो ये आपका प्लेटफार्म नंबर 2 है और यहाँ से आप गाड़ियों को ट्रेनों को पकड़ सकते हैं, यानी मतलब ट्रेन में बैठ सकते हैं और जहाँ भी जाना होगा वहाँ जा सकते हैं। ये पाइपलाइन है जो कि पानी का फ्लो इसमें होता रहता है जिसके माध्यम से किसी गाड़ियों को ढोया जाता है या फिर पानी को भरा जाता है अंदर। तो ये आपका जो दिख रहा है प्लेटफार्म नंबर 2 है और इसके साइड में ये प्लेटफार्म नंबर 3 है जो कि ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे कुछ सामान रखे गए हैं जो कि ट्रेन के द्वारा लाए गए हैं। ज़्यादातर सामान वगैरह ट्रेन से ही लाया जाता है क्योंकि ट्रेन का जो ले जाने ले आने का किराया होता है काफ़ी सस्ता होता है। ये प्लेटफार्म नंबर 3 है। बाकी उधर आपका जो भी सामान वगैरह रहता है जैसे आपका गिट्टी वगैरह हो गया और
कोयला वगैरह हर एक चीज़ वहाँ पे निकाल के वहाँ पे रख दिया जाता है। ये आपका प्लेटफार्म नंबर 3 है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहीं तक हमने वीडियो को कैप्चर किया, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।